तो एक हाउस होता है और उस हाउस में काफ़ी छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जो कि अभी अभी ग्रोन अप हुए थे। और उनमें से एक छोटा सा बच्चा जैसे अपने सामने की तरफ को देखता है, वहाँ पे वो फौरन ही अपने प्यारे वाले झूले में जहाँ पर वो हमेशा झूला करता था वह झूलने लग जाता है। और आज उसके डैड भी उसके साथ थे। वो अभी किड था, जस्ट किड था, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब वो कुछ बदल सा जाता है। आज उसकी मॉम उसके पास आती है और उसकी मॉम वहाँ पे आज सबको डिनर के लिए बुलाती है। और वो बच्चा अभी इतना ज़्यादा छोटा था कि बस उसने ज़रा सा चलना ही सीखा था। तभी उसके पास एक बस आकर रुकती है और वो उस बस से काफ़ी अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होते ही वो उस बस के पास जाता है और उसकी मॉम भी वहाँ से उस बस के पास जाते हैं। और जैसे जो वो बच्चा जैसे ही उस बस के पास आइसक्रीम जाकर उसके डैड उसे देते हैं, वो बच्चा इस आइसक्रीम को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके लिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नई थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था इस दुनिया में। और वो जब लेटा हुआ था तब वहाँ पर फौरन उसकी मॉम एंड डैड हमेशा उसे बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाते थे और उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो इस तरीके से स्टोरी सुनता था। और इस वजह से वो हमेशा खुशी खुशी इस तरीके से सो जाता था और उसे इतनी अच्छी नींद शायद कुछ ही टाइम तक आती क्योंकि चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली थी। और उसकी मॉम फौरन ही वहाँ पर गेट लॉक करती है और वहाँ से चली जाती है। एंड नेक्स्ट डे जब सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, वो फौरन ही नीचे की तरफ को आता है और अब वो काफ़ी अच्छा दौड़ने लगा था। उसके डैड अपना नॉर्मल टी इन्जॉय कर रहे थे और अब वो जब देखते हैं कि वो बच्चा अपनी मॉम के पास जाता है और जाते साथ ही वहाँ पर अब उसका मस्त सा कैंडी चाहिए था, तो वो कैंडी लेने के लिए वहाँ पर अपनी मॉम से कैंडी मांगता है और वो मस्त एकदम अच्छे से खाने लग जाता है। तब उसकी मॉम उसे बोलती है वेट, उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है अचानक से और उस बच्चे को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसे लगता है शायद से चोट लग गई होगी या फिर वो अपनी ही गलती मानता है। और जिसके बाद वो उसके मॉम डैड वहाँ से भागी भागी वहाँ से जाते हैं और वो एक कार में जाकर बैठते हैं। वो उस कार में बैठने के बाद वहाँ से चले जाते हैं फौरन ही। जैसे ही वो इस चीज़ को देखता है वो उसके मन में ख्याल बनने लगते हैं कि आखिर मॉम एंड डैड इस तरीके से क्यों गए। और ऐसे ही दिन बीतते हैं और काफ़ी टाइम के बाद एक दो दिन के बाद वो वहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था अपने मॉम एंड डैड का। तब उसके सामने वहाँ पर उसकी मॉम आती है लेकिन इस बार वो अकेली तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता तो है लेकिन वहाँ पर वो अपनी मॉम के पास जाकर देखता है कि एक छोटा सा बच्चा और वो उस बच्चे को देखकर काफ़ी खुश होता है। और जिसके बाद वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और वो उसकी लिटिल सिस्टर थी। वो अपने लिटिल सिस्टर को पाकर काफ़ी खुश था। वो अपने लिटिल सिस्टर को मस्त वहाँ पे झूला झुलाता है। एंड देन जिसके बाद वहाँ पे वो अपने लिटिल सिस्टर को देखता है जो कि इस टाइम पे सो रही होती है। और अब उसकी लिटिल सिस्टर थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी और वो उसका बन चुका था बड़ा वाला भैया। और वो जैसे जैसे उसने बचपन में चीज़ें सीखी थी वो अपनी बहन को सिखाता था और नए नए टॉयस देता था। और उसको तो किसी ने आज तक चलना सिखाया नहीं था लेकिन उसने अपनी बहन को बेकायदा अच्छे से चलना सिखाया और बदले में साइकिल चलाना भी सिखाई। और वो पूरा का पूरा अपनी बहन का ध्यान रखता है और वो देखता है कि उसकी बहन बहुत अच्छी साइकिल चला रही है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और आज उसकी बहन का बर्थडे भी था, उसके बर्थडे में वो काफ़ी खुश था क्योंकि आज उसकी बहन बहुत ज़्यादा 5 साल की हो चुकी थी और वो पूरे 7 साल का। और जिसके बाद अब टाइम आ चुका था उसकी बहन का उसके साथ स्कूल जाने का। लेकिन सामने वो देखती है अपनी पहली दिन की स्कूल बस क्योंकि आज उसका स्कूल में पहला दिन था। इस वजह से उसका भाई इस चीज़ को देखकर हंसता है और जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और वो बस को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसके लिए सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी। और जिसके बाद वो बस वहाँ से जाने लग जाती हैं और आज वहाँ के अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने सामने देखती है वहाँ पे बढ़िया बढ़िया नए नए टीचर्स और क्लास। लेकिन अब उसके सामने कोई दो नए इंसान आ चुके थे। जैसे वो उन दोनों को देखती है उसे कुछ ठीक सा नहीं लगता और वहाँ पे वो उसे बुली करने लग जाते हैं। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी डरती है और उसकी आंखों में आंसू सा आने लग जाता है। और वहाँ पे फौरन ही उसका जैसी ब्रदर पहुँचता है। इस चीज़ को देखते ही वो जैसे ही वहाँ पे देखता है उसकी बहन को, वो लोग परेशान कर रहे हैं, फौरन ही वो वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही उसने अपनी एक लात बढ़ाकर मारी वहाँ पर वो दोनों के दोनों गिर गए एक बार में।
और फौरन ही वहाँ पे उसकी सिस्टर देखती है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और फौरन ही वहाँ पे उसका भाई उन दोनों को मार देता है सिर्फ उसके लिए। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होती हैं एंड वहाँ पे वो उसे बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती हैं। और अब दोनों के दोनों घर आ जाते हैं। अब वो दोनों घर पहुँच चुके थे। जब वो घर पहुँच चुके थे तब उन्होंने अपनी मॉम को अपना अपना दोनों का लेटर दिखाया और उसमें उन दोनों की रिपोर्ट कार्ड थी। वहाँ पे जहाँ पे लड़की को मिला था 5 क्लास में E ग्रेड, वहाँ पे फौरन ही उसने उसे चिपका दिया फ्रिज में। लेकिन जब ही उसकी मॉम ने दूसरा वाला देखा 4B, वहाँ पे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी रैंक बहुत ख़राब आई थी और उसकी मॉम ने उसका ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उसे कहीं ना कहीं काफ़ी ठेस पहुँच चुकी थी। और अब वो वहाँ से मुँह लटका कर वहाँ से जाने लगा। इस वजह से वो अब अकेले ही रहकर वहाँ पे अपने टेस्ट पेपर को देखता है। और जिसके बाद वो जैसे ही नीचे की तरफ को देखा, वहाँ पे वो देखता है कि अब उसके डैड उसकी बहन को ही झुलाते हैं। उसको तो बिल्कुल झुलाते ही नहीं, मतलब उसके लिए सारा का सारा प्यार खत्म हो चुका है और उसे ऐसा लगता है। और वो डायरेक्ट चला जाता है और उसके डैड जैसे उसे झुलाने वाले होते हैं, फौरन ही उन्हें एक कॉल आती है। वो उस कॉल में ज़रा बिजी सी हो जाते हैं और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। वो इसे देखता तो है लेकिन इसे इग्नोर करके वो वहाँ से जाने लगता है। सूरज अब सर पे था, इस वजह से अब शाम हो जाती है। और आज शाम को जब वो पहले के टाइम पे याद करता है कि उसको मस्त लोरी सुनाई जाती थी, लेकिन आज जब वो घर जाता है तब वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि अब उसकी जगह उसकी बहन ने ली है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी बहन को ज़्यादा उसके मॉम डैड प्यार करते हैं, उसकी तो अब कोई वैल्यू नहीं रही पहले की तरह। और इस वजह से ये सब सोच कर वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर मान लेता है। इस वजह से वो अब टिफ़िन लेता है, लेकिन अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था क्योंकि अब उसे लगने लगा था उसकी जगह तो उसकी बहन ने ले ली है, तो अब उसकी इस दुनिया में रहने की क्या ज़रूरत। और इस वजह से वो हर चीज़ इग्नोर करता। आज उसकी बहन को दो लड़के तंग करने के लिए वहाँ पर खड़े की थे, वैसे ही वो वहाँ पे पीछे अपने कदम बढ़ाती तो है, लेकिन उसके बदम कदम बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलता। वो लड़के उसे तंग करते हैं और ठीक उसी टाइम वहीं पर वो लड़का आता है। लेकिन वो लड़का अपनी बहन को, अपनी सगी बहन को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि उसकी कोई बहन हो ही ना। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था उसकी बहन ने उसकी जगह ले ली थी घर पे। इस वजह से वो दो लड़के उसकी बहन को काफ़ी तंग करते हैं। और आज जब वो घर वापस आते हैं तब वहाँ पे वो अपनी बहन को बिना देखे सिर्फ चलता है, क्योंकि उसके मन में वही बात तब से लेके अब तक घूमे जा रही थी कि सिर्फ उसकी मॉम उससे नहीं मानती, सिर्फ उसकी बहन को मानती है। जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड उसे दिखाता है, उसे अब तो पूरा का पूरा फेल रिजल्ट मिला था। इस वजह से उस रिजल्ट को बिना दिखाए ही वो फेंक देता है। और ऐसे करते करते उसकी बहन के रिपोर्ट कार्ड की लाइन लग जाते हैं टेस्ट में टॉप में टॉप। यही चीज़ देखने के बाद उसकी मॉम को समझ में आ चुका था कि अब उसकी बेटी ही सबसे अच्छी है। आज उसके मॉम डैड उन दोनों को नए नए गिफ्ट देते हैं और जब वो तोहफा खोलते हैं उन्हें तोहफे में उसकी बहन को तो वहाँ पे एक मोबाइल मिला था, लेकिन जैसे ही लड़का अपने हाथ में देखता है वहाँ पे उसे मिलता है हाथ में एक बेकार सी घटिया सी डायरी। अब उसे ये तो यकीन हो गया था कि उसके मॉम डैड उसे बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं समझते, इस वजह से उसे फालतू के गिफ्ट देते हैं और उसका टाइम वेस्ट भी करते हैं, उसे कोई प्यार भी नहीं करता अब। और यह चीज़ उसको अंदर ही अंदर से इतना ज़्यादा तोड़ने लगती है कि वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो बड़ा हो चुका है या फिर उसकी बहन को ही ये लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे वो देखता है सामने आइसक्रीम की शॉप आती है और अब उसका मन करता है कि वो आइसक्रीम खाए, लेकिन उसके डैड सिर्फ उसकी सिस्टर के लिए आइसक्रीम खरीदते हैं और अब तो आइसक्रीम बची भी नहीं थी, इस वजह से अब उसे बिना आइसक्रीम के ही रहना पड़ता है। और ये चीज़ देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी बहन की आइसक्रीम जब लेने लगता है वो आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी रोने लगती है उसकी सिस्टर, और वहाँ पे उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं उस पर और उसे मार देते हैं। बस यही ये चीज़ होते ही वो समझ जाता है अब वो अपने डैड से हमेशा के लिए चिढ़ जाता है और वो चिढ़ के मारे अपने रूम में बैठा रहता है। जब उसके मॉम डैड वहाँ पे अपनी बेटी को सुलाकर जब सोते हैं तो वहाँ पे वो अपने रात में सोया हुआ आता है और वो अकेला था उस टाइम पे। उसके डैड उस टाइम पर वहाँ पे आते तो हैं लेकिन वो बंद करके वहाँ से चले जाते हैं।
और अब यही चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो वहां से निकल जाता है। अपने अब उसने सोच लिया था कि अब वो घर छोड़कर चला जाएगा। उसने अपने घर की शीशे को ऊपर किया और रातों रात ये सोच लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, एक पल भी यहाँ नहीं रहने वाला, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसको किसी की भी अब जरूरत नहीं है। वो घर से फौरन ही अब भाग चुका था। जैसे ही दूसरा दिन होता है, उसकी मॉम वहाँ पे टिफिन तैयार करके अपनी जैसी बेटी को वहाँ पे छोड़ देती है। वहाँ पे वो देखती है कि अभी तक उसका बेटा नहीं आया है। वो ऊपर जाती है और अपनी बेटे के रूम में जैसे ही वो एक बार रीचेक करती है, वो पाती है कि उसने एक पेपर में नोट लिखा है और उस नोट में लिखा था कि अब वो घर छोड़कर जा रहा है। इसके बाद उसकी मॉम को क्या था, वो फौरन ही वहाँ से भागी भागी जाती है और अब उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। वो उसे काफ़ी भूख लगी थी तो उसने सामने देखा कि एक हॉट डॉग की छोटी सी स्ट्रीट वाली दुकान पे वो गया, लेकिन उस दुकान में जाने के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक स्ट्रीट डॉग हॉट डॉग भी अफोर्ड कर सके, लेकिन वो वहाँ से निराश होकर जाने लग जाता है। अब उसे लगता है कि अब तो उसके पास कुछ इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो जिससे कुछ खरीद कर खा ही सके। वहाँ पे वो देखता है दो लड़कियाँ कैसे चल चल के आगे जा रही हैं और वो वहाँ पे जब बैठा ही हुआ होता है तब उसके पास दो सिक्का एक आदमी गिराकर चला जाता है। वो पूरे के पूरे $2 थे और अब वो वहाँ पे हॉट डॉग जाकर खरीदने का प्लान करता है। वो जाता है उस दुकान में और कुछ पैसे देकर वहाँ पर हॉट डॉग बाय कर लेता है, और जिसके बाद जब उसे वो हॉट डॉग मिलता है वो उसे वहाँ पर खाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दो लड़के आ जाते हैं जो कि उसे काफ़ी बुली करते हैं और वहाँ पे उसे मारते तक हैं। उसका खाना छीनने के बाद वो उसे लात से ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाते हैं और इतना मारने के बाद चले जाते हैं। वो अधमरी हालत में था। उसके घर में बस आ जाती है। बस आने के बाद वहाँ पे वो लड़की अपने घर पे जब उतर कर देखती है तब उसको वहाँ पे लगता है कि ये पुलिस मेरे घर में आखिर क्यों आई है। वो यही चीज़ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब घर में जाती है तब वहाँ पे वो देखती है कि उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और पुलिस वहाँ पे पूछ रही है कि आपका बेटा कैसा दिखता था, आखिरी टाइम पर कब भागा था। और अब वो बच्चा जो था, वो जो भाग चुका था, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके कपड़े फट चुके थे, उसे काफ़ी लोगों ने मारा था, उसे डस्टबिन से अब ढूंढ ढूंढ कर खाना खाना पड़ता है क्योंकि अब उसके पास कुछ खाने के लिए ना रहने के लिए कोई जगह थी। वो भागा भागा एक कूड़े वाले डब्बे के पास जाता है और उस डब्बे में सोचता है कि अब उसे यहीं पर रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड हर जगह पोस्टर लगवा रहे थे और ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ मिलेगा। हर जगह वांटेड के पोस्टर लग चुके थे और जिसके बाद वो चल चल कर वहाँ पे उसकी मॉम डैड हर जगह का ऐसी कोई कोशिश नहीं थी जहाँ पर उन्होंने पोस्टर ना लगाया हो। और अब वो डब्बे से निकलकर जब बाहर जाता है वापस से कुछ करने के लिए, तब वो अपने बाहर सामने की तरफ को देखता है कि दो लड़के वापस आ रहे हैं। वो उनसे इतना ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उससे इतनी ज़्यादा शरीर में चोट लग चुकी थी कि मतलब अब वो उनके पास जाना नहीं चाहता था। उसे वापस से डस्टबिन से कुछ मिलता है और वो उसे खाकर आगे बढ़ता है। अब जब वो ऊपर आता है, वो चल चल कर जैसे ही सामने की तरफ को देखता है तब उसकी आंखों से वहाँ पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब वो फैसला करता है सुसाइड करने का, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था मरने के अलावा। वो सारी भी यादें याद करता है, बचपन में कैसे उसके डैड उसे झूला झुलाते थे, कैसे उसे ही उसके डैड मस्त झूला झुलाकर उसके साथ खेला करते थे, लेकिन आज अब उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। कैसे उसे याद आता है उसकी मॉम प्यारी प्यारी सी स्टोरी सुनाया करती थी, लेकिन अब उसके पास ये सारी में एक भी चीज़ नहीं थी। वो अपने अगल बगल देखता है, तभी वहाँ पे उसे देखता है एक पोस्टर जिसमें उसकी फ़ोटो लगी थी। तब उसे समझ आता है कि उसकी जो बहन है वो छोटी है और जब वो अपनी एज में था तब उसकी मॉम डैड ने उसका पूरा ख्याल तो रखा था और जब उसने अपनी सिस्टर को बड़ा किया, जब वो उसकी एज में आई, तब उसे समझ में आता है कि अब उसकी सिस्टर को भी वैसा प्यार मिलना चाहिए। तब वो अब वो समझ चुका था कि गलती उसी की है। अब वो बड़ा हो रहा था तो उसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, लेकिन उसकी मॉम एंड डैड जैसे ही देखते हैं वहाँ पे वो बच्चा वापस अपनी गलती मानकर जैसे ही आ चुका है, उसकी मॉम और सिस्टर उसे देखकर दौड़ते हैं और अब उसके डैड भी उसके पास जाते हैं, गले लगते हैं और उसे तब रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ नहीं था। उसके परिवार वाले उसे कभी भी हेट नहीं करते थे, बस वो उसकी गलत फहमी थी। अब वो इतना ज़्यादा भूखा था कि वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है और जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अब उसकी हालत ख़राब इतनी थी
कि अब वो जैसे ही अपनी आँखें खोलता है हॉस्पिटल के अंदर वो काफ़ी खुश होता है। डॉक्टर ने भी बता दिया था कि अब ये खतरे से बिल्कुल खाली है और अब वो अपने आसपास अपनी सिस्टर अपने मॉम डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जिसके बाद वहाँ पे वो आँख बंद करके सो रहा होता है। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है फौरन ही उसे रियलाइज होता है कि वो अब उसकी बहन का ब्लड उसे मिल रहा है। इसे देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी फैमिली उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही है और उसकी बहन जिसे वो बुरा समझता था वो अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा गलती थी। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। आखिर गाइस तुम्हें स्टोरी से क्या सीखने मिला मुझे तुम लोग एक बार कॉमेंट करके प्लीज़ बता दो।